जनपद ध्वंस की चिकित्सा, पेंडेमिक कंडीशन में क्या चिकित्सा होना चाहिए? सौरभ जी आपके पास है चरक संहिता? नहीं सर, नहीं है। नहीं है तो बुक हो तो अच्छी बात है ना आपको। तो पेंडेमिक अच्छा, कैसे चिकित्सा होना चाहिए? तो यहाँ बोलते हैं कि चतुर्षुपि तुदुष्टेषु कालांतेषु यदा नरः भेषजेनोपपाद्यन्ते न भवन्त्यातुरास्तदा येषां न मृत्युसाम्यानां सामान्यं न च कर्मणा कर्म पंचविधं तेषां भेषजं परमुच्यते। इन्होंने स्पष्ट इन्होंने कहा है कि पेंडेमिक अवस्थाओं में, कोरोना जैसे कंडीशन में चिकित्सा दोषों की तो करनी चाहिए किसी भी अवस्थाओं में, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बताया वायु जल देश और काल, ये चार अवयव, ये चार स्थानों की अशुद्धि विकृति ही जनपद ध्वंस का मूल कारण है। इसीलिए इन चारों की शुद्धि किस विधि से किया जा सकता होगा? जनपद ध्वंस होने से पहले ही संग्रहित किया हुआ जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करना है, और इन चार घटकों का, जैसे वायु है तो वायु का शोधन कैसे हो सकता होगा, जल की शुद्धिकरण कैसे हो सकता होगा, देश का शुद्धिकरण कैसे हो सकता होगा, काल का शुद्धिकरण कैसे हो सकता होगा, इसके बारे में सारे पीछे लिखा हुआ है अभी। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति का नक्षत्र ग्रह गोचर आदियों का उन अवस्थाओं से जब आपने देखा कि इसकी अभी जीवन शेष है, भाग्य इसका बहुत अच्छा है, कर्म की गति अभी लंबी है, अभी बहुत सारे कर्म पूर्व प्रारब्ध को भोगना है इसने, ऐसा अगर आपको लगता है या ज्योतिषियों ने कह दिया है, तो पेंडेमिक कंडीशन में, कोरोना जैसे अवस्थाओं में पंचकर्म के विधि के अनुसार बमन विरेचन निरोह अनुवासन और नस्य, इन भेदों से आवश्यकता अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। इसके साथ साथ क्योंकि काल यानी समय भी इस पेंडेमिक कंडीशन में दूषित हो जाता है, तो सत्यम भूते दयादानं बलयो देवतार्चनं सद्वृत्तस्यान वृत्तिश्च प्रशमो गुप्तिरात्मन हितं जनपदानां च शिवानां उपसेवनं सेवनं ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणां। यहाँ पर बताया गया कि जो वेशज है, जो वैद्य है, वो अपने पास आए हुए पेशेंट को उनके जीवन संरक्षण करने के लिए पंचकर्म चिकित्सा और दूसरे कर्मों के, और आयुर्वेदिक पहले से जिन दवाइयों का कलेक्शन किया गया था, ऐसे सुरक्षित दवाइयों से कुछ दवाइयाँ उसके दोषों के आधार पर तैयार करके उसको देना है। लेकिन उसके साथ साथ जो कुछ दूसरे भी क्रियाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर उस व्यक्ति के शरीर नहीं बल्कि पेंडेमिक कंडीशन है, ये समूचा देश, समूचा राष्ट्र, समूचा सभी चीजें इसमें बिगड़ी हुई है, तो इसको देखते हुए सत्यम उस व्यक्ति को सत्य का परिपालन करने के लिए प्रेरित करना होगा। भूते सत्यम, भूते दया, भूते यानी लोगों के प्रति, है ना, अपने मन में सत्य का संकल्प रखे, दयावान रहे, दान की प्रवृत्ति बनाए, देवताओं का अर्चन और पूजा पाठ करें, और सदवृत्तस्य अनुप्रवृत्तस्य प्रशमो गुप्तिरात्मना। सदवृत्त क्या है? अब ये यही बात है कि अब एलोपैथ या किसी दूसरे पैथी से आयुर्वेद इसी मामले में थोड़ा अच्छा है और भिन्न भी है। आयुर्वेद इसी चीज को मानता है कि सद्वृत्त का एक इंसान के रोग होने या न होने में, स्वस्थ होने में सद्वृत्त का बड़ा आधार रहता है, उसका काम रहता है। सद्वृत्त का मतलब क्या है? सुबह जल्दी उठना, देवताओं का पूजा करना,
पितरों का श्राद्ध करना, पितरों का पूजन करना, आपके परिवार में जो जो भी कुल पूजा हुआ करता था, जैसे अभी तो बहुत सारे लोग करते नहीं करते, कुछ लोग करते कुछ नहीं करते, बट अगर आप पीछे से देखोगे आपके दादा दादी कुल पूजा किया करते थे, सभी की कुल देवता हुआ करता था। आज भी कुल देवता तो होते, लेकिन लोग बाग में सदवृत्त की, अब सदवृत्त का मतलब है इन्हीं चीजों को, बेशक वो अच्छा है नहीं है ये आपका सोचना नहीं है। मात पित गुरु हरि की बानी, बिजय बिनहिं विचार करिए शुभ जानी, ये सदवृत्त के संदर्भ में बताया गया है। देवताओं को पूजन करने से हमें क्या मिलेगा? हम अगर देवताओं को किसी चीज का भोग लगाते, हलवा का ही भोग अगर माता को लगाएंगे, तो क्या माता उसको लेगी, खाएगी? उसको मिलेगा? माता को श्राद्ध देते वक्त पितरों को जो हम यहाँ तर्पण देंगे, जो घी का पायस आदि बना करके देंगे, क्या वह चीज पितरों को मिलता है? या अपने अपने धर्म में रहते हुए उस धर्मों की जो छोटी छोटी जो इस तरह की कर्म है, क्या उस कर्म का कोई आधार, कोई प्रमाण है? कुछ उसका प्रमाणीकरण करने का कोई आधार है, कोई तुक है? क्या विज्ञान के कसौटी से वो सारी चीजें सही उभर सकता है क्या? ये बात सदवृत्त के संदर्भ में ऐसा बताया जाता है। सदवृत्त का मतलब है अगर आप अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हो, क्योंकि मन एवं मनुष्याणां, मन जो है ना इंसान को अच्छे और बुरे संगतियों को और लेके जाने वाला होता है। कभी आपके मन में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, तनाव है, टेंशन है, बहुत सारी बातें हैं मन में, शरीर में बहुत रोग है, टेंशन है, घर में झगड़ा, तनाव, बहुत सारी चीज चल रहा है ना, आप क्या करिए, एक आप रूल बनाइए, एक आप नियम बनाइए कि हर संडे को, हर सैटरडे को, हर कभी भी किसी भी दिन में, सप्ताह में एक दिन किसी ऐसे जगह में जाइए जहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं। आप मंदिर में जा सकते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग भीख मांगने वाले आते हैं, उनको आप खुशी से श्रद्धा से कुछ दे दीजिएगा। और ये आप नियम बनाइए, कभी आप पैसे दे दो, कभी आप खाने पीने वाली कुछ चीजें दे दो, कभी आप सर्दी के मौसम में कपड़े कपड़े दे दो, तो जो वाकई में जो गरीब होगा, आजकल तो भीख मांगने वालों का भी एक गिरोह है, तो उससे इतर अगर कोई ऐसी स्थिति होगी, कोई ऐसे लोग होंगे जिनको देने से वो लोग बहुत खुश होते होंगे, तो उनके उस खुशी, उनके उस चेहरे की उस रौनक को देख करके, चेहरे की खुशी को देख के, वहां का जो इस एक तरह का जो माहौल क्रिएट होगा ना आपके प्रति, वो सकारात्मक ऊर्जा को बनाने वाला होगा। और वही जो ऊर्जा है आपके शरीर को इनहांस करता, हील करता है। करते करते अगर आप ये करोगे तो उससे आपका मन थोड़ा सा खुश रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके बाद तुरंत आप कुछ दूसरा भी इसी प्रकार के कोई अच्छे समाज में काम आने योग्य कोई ऐसी चीजें आप करिए। एक तो दान आप कर रहे हो हर हर सप्ताह में एक बार, उससे मन थोड़ा खुश रहेगा। उस खुश रहते वक्त और एक हथौड़ा मारिए उसमें, और कुछ दूसरे खुशी के लिए आप हर सोमवार को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाइए, या अपने गुरु के मंदिर में जाइए, या आप गुरुद्वारे जाइए, या आप जहां पर भी आपका श्रद्धा है वहां जाकर के जो भी अपने अपनी जो पूजा की परंपराएं हैं उसको आप करिए, बट वो श्रद्धा से करिए। ये दोनों चीजें हो गया, ये दोनों चीजें होते ही आपके अंदर एक प्रकार का चमक, चेहरे में, मन में उत्साह, हर्ष, सारा चीजें बनना शुरू हो जाएगा। डेफिनेटली इससे क्या होगा, जो आपका रोग है ना वो ठीक होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि मानसिक खुशी ही, यानी कि जो सदवृत्त है, सदवृत्त आयुर्वेद ने इसीलिए रखा है। देखो हम लोग सूत्र स्थान में ये बात पढ़ते हुए आए हैं कि तर्पण देने से किसको क्या मिलता क्या नहीं मिलता ये मत सोचो, ये भाव रखो कि आपके मम्मी पापा ने, आपके पूर्वजों ने इस चीज को बखूबी किया है, तो उसको करना मेरा एक सदवृत्त है।
ये मेरा एक कर्तव्य है। मेरे मम्मी पापा ने जिन कर्मों को किया उसको मैं इग्नोर नहीं करूंगा, मैं उनको क्यों ठोस पहुंचाऊं। वो जहां भी है मुझे देख रहे होंगे, उनके किए कर्मों को मैं भी करूंगा, वो खुशी से करूंगा। तो ये भाव रखना ही इसको सद्वृत्त बोलते हैं। अपने से बड़ों को नमस्कार करना, पैरों में झुक करके साष्टांग प्रणाम करना, आप सूत्र स्थान में जाकर के देखिए सद्वृत्त अध्याय में कितनी जबरदस्त बातें। सूर्य को अर्घ देना, सूर्य को नमस्कार करना, देवताओं का पूजन करना, अपने गुरुओं के गुरु के प्रति आदर भाव रखना। अगर कोई स्त्री है तो अपने पति के प्रति जो एक जो व्यवहार होता है, अपने जेठ अपने बड़ों के प्रति जो आदर होता है, सिर को ढकना, ये तमाम बातें, ये क्या है? सद्वृत्त है। अब इससे क्या होगा, इसका क्या परिणाम प्रत्यक्ष रूप से होगा, ये नहीं कह सकते कोई भी, लेकिन ये निश्चित बात है कि ये सभी चीजें करने से ये सद्वृत्त रहेगा। अच्छे सद यानी अच्छा, वृत्त यानी आचरण, इसको करने से। अब यहां पर भी इस पेंडेमिक कंडीशन में भी यही बताया जा रहा है कि सद्वृत्त का पालन, देखो 15 नंबर वाला सूत्र, सद्वृत्तस्य अनुवृत्तिस्य, सद्वृत्त के प्रति अनुवृत्त, उसके प्रति आस्थावान रहे, प्रसमो गुप्तिरात्मन। आगे लिखा हितम जनपदानाम च, जनपदानाम च, जो जनपद में रहते हैं, गांव में कस्बा में अपने स्टेट में जो लोग रहते हैं, उनके प्रति दया का भाव रखना। यह भी पेंडेमिक कंडीशन का, यानी कि अगर अभी जो आया कोरोना, उसके उपचार यहां बताया जा रहा है। बलि देना, बलि का मतलब है शिवानाम उपसेवनम सेवनम ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणाम। शिवानाम उपसेवनम यानी कि शिव यानी कल्याण चाहने वाले लोग बलि देना चाहिए। बलि का मतलब है मेरे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, मत्सर, मत्सर का मतलब होता है मत्तः सरति इति मत्सर, जो धीरे 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 अपने मन में इच्छाओं को जागृत करता है। मैंने आज साइकिल लिया, कल किसी के मोटरसाइकिल देख करके मन होगा कि चलो वो ले लो, फिर परसों किसी के गाड़ी देख करके गाड़ी खरीदने की इच्छा हुई। तो जिन प्रति लाभ लोभ अधिकाई है ना, रामायण में ऐसे लिखा हुआ है कि जैसे जैसे थोड़े थोड़े लाभ बढ़ता है तो वैसे वैसे लोभ भी बढ़ती जाती है। तो इसे हम बोलते हैं संस्कृत में एक शब्द में, उसका नाम है मत्सर। तो मत्सर जैसी स्थितियां नहीं आनी चाहिए। बलि देना है यानी कि अब ये जो पशु बलि की जो बातें करते हैं लोग, बकरे काटना, जानवरों का बलि देना, बेसिकली बलि का मतलब है अपने अंदर का जो अहंकार है, उस अहंकारों को भगवान के सामने जाकर के अर्पण करना। सद्वृत्त के संदर्भ में बलि की बातें हैं। देवताओं की पूजन करना, सद्वृत्त का पालन करना, मन में शांति रखना, अपनी रक्षा करने का प्रयास करना, अपने रक्षा। आगे बोला ब्रह्मचर्यस्य तथैव ब्रह्मचारिणम् सेवनम ब्रह्मचर्यस्य, ब्रह्मचारी होकर के, ब्रह्मचारी के सिर्फ सेक्स नहीं करना, उस तरह की चीजें नहीं देखना, मास्टरबेशन नहीं करना, या स्पर्म से रिलेटेड चीजें, उतने को ब्रह्मचारी नहीं कहते। ब्रह्मचारी या एक जस्ट आचरण का नाम है, उस तरह के आचरण में रहना। अब आप कहोगे भैया हम तो पति वाले पत्नी वाले शादीशुदा हो गए, बच्चे वाले हो गए, तो देखो एक पत्नी धरो राम ब्रह्मचारी इति स्मृत। भगवान श्री राम जो एक पत्नी वाले थे तो भी उनको ब्रह्मचारी कहा जाता है, यानी कि आप हम सभी लोग अगर एक पत्नी के साथ संबंध बनाते हैं, उसके अलावा अगर हम किसी औरों को मातृत्व और बहन बहन जैसे उस दृष्टि से देखते हैं, उस तरह की निगाहें हम में नहीं है, तो निश्चित हम एक पत्नी से ही हम संबंध बनाते हैं, उस तरह के विचार हम रखते हैं।
तो हम भी ब्रह्मचारी ही है उस संदर्भ में। और ब्रह्मचारी का जो नियम है, उस नियम का अगर हम पालन कर सकते हैं तो ये हमारे लिए भी ब्रह्मचारी जैसा होगा। अगर हम ब्रह्मचारी नहीं बन सके तो किसी ब्रह्मचारी की सेवा करें, धर्म शास्त्रों की कथा का श्रवण करें, महर्षि और जितेंद्रिय पुरुषों की चर्चा करें। जितेंद्रिय का मतलब क्या है? जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया। जितेंद्रिय का मतलब क्या है? संघ कथा धर्म शास्त्राणाम महर्षिणाम जितात्मना। जितेंद्रिय का मतलब क्या है? जीव हमेशा कुछ न कुछ मीठा खाने का प्रयास करता है, ये भी खाऊं, वो भी खाऊं, ऐसा भी खाऊं। तो जो आदमी अपने जीव को कंट्रोल कर सकता है, वह एक इंद्रियों को उसने जीत लिया। जो आदमी अपने आंख को कंट्रोल कर सकता है, उसने अपने आंख की इंद्रियों को जीत लिया। तो जितेंद्रिय का मतलब है, जैसे जितेंद्रियम बुद्धि, हनुमान जी को जितेंद्रिय कहा जाता था, अर्जुन को जितेंद्रिय कहा जाता था, भगवान कृष्ण को भी जितेंद्रिय कहा जाता था, क्योंकि ये अपने इंद्रियों को इन्होंने जीता हुआ है। ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को ये अपने वश में रखते थे। संखता धर्म शास्त्राणाम महर्षिणाम जितात्मना। महर्षिणाम, अब ये महर्षि कौन है आज के समय में? महर्षि कौन है? ऋषि का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ निर्माण करने की कैपेसिटी होता है। ऋषि का मतलब साइंटिस्ट भी हो सकता है, कुछ नई बातों को खोजने की जिसके अंदर कैपेसिटी है वो ऋषि है। ऋषि का मतलब ये नहीं कि कोई हिमालय में बैठे और तपस्या करे, उसे को ऋषि नहीं कहेंगे। ऋषि का मतलब है कुछ नई चीजों को खोजता हो, जैसे वेद व्यास को महर्षि कहा गया। वैसे महर्षि एक पद का भी नाम है, महर्षि एक पद का भी नाम है, लेकिन महर्षि जो पद उसको जो मिलता है वो उसके कर्मों के आधार पर मिलता है, न कि उसके साधना के आधार पर। महर्षि जो है साधना के आधार पर नहीं, उसके विशिष्ट कर्म के आधार पर उसको महर्षि यह पद उसको मिलता है। तो आज के समय में कोई अगर ऐसे महर्षि होंगे जो अच्छा ज्ञानी है, कर्मनिष्ठ है, कुछ क्रिएटिविटी है उसमें, तो ऐसे लोगों की संगति करने की बातें यहाँ पर बताया जा रहा है। जितात्मना, अपने इंद्रियों को जीतना। धार्मिक ही सात्विकर नित्यम सहस्या वृत्त सम्मत ही। धार्मिक ही, धार्मिक विचार को रखना चाहिए। सात्विकर नित्यम सहस्या वृत्त सम्मत ही। वृत्त सम्मत ही का मतलब है, वृत्त किसको बोलेंगे? जो ज्ञान से, विचारों से श्रेष्ठ होते हैं। वृद्ध का मतलब जो बूढ़े हो गए 80 90 95 साल के, उन्हें वृद्ध नहीं कहेंगे। वृद्ध का मतलब है जो विचारों से, ज्ञान से पका हुआ है, विचारवान है, जिसकी बातें और विचार लोगों के लिए आदरणीय होते हैं, उसको वृद्ध बोलते हैं। तो धर्मशास्त्र ऐसा बोलता है कि ऐसे इस तरह के लोगों के संगति करें और करके क्या उपयोगी होगा, क्योंकि पेंडेमिक कंडीशन में तो वो भी मर रहा है, वो भी मर रहा है, उधर भी खांस रहा है, वो कुछ कर रहा है, तो व्यक्ति क्या होता था, हताश हो जाता है। तो वृद्ध ही इस तरह के व्यक्ति से, महर्षियों के पास बैठने से अपने जीने की चाह बढ़ जाता है, उसकी कुछ क्रिएटिविटी को देखता है, अरे क्या बात है यार, ये तो मैं भी करूंगा। बहुत अच्छा, आपने सब मजा आ गया। वृद्ध ही ऐसे बड़े जो ज्ञानी, सन्मार्गगामी, अच्छे विचार वाले, अच्छे चेतना वाले लोगों की संगति करना है, ताकि उस पेंडेमिक कंडीशन में होने वाली उस कठिनाइयों से कुछ कुछ बचा जा सके, और साथ साथ में दान पुण्य धर्म आदि भी करना है, ताकि इसके प्रभाव से भी, इसके बल से भी हमें। अब ये दान पुण्य और ये धर्म, ये सारी चीजें करने के पीछे का रीजन क्या है, क्यों बताया गया, ऐसा क्यों बताया गया? तो यहाँ पर देखिए जरा,
एक सूत्र यहाँ बताया गया है, सूत्र है आई थिंक 23 नंबर के बाद 24 नंबर वाला देखिए। प्राग भी चा धर्मा धृति नासु भूत पत्ति रण्यो भूत आदि काले, ये सूत्र है। इसको मैं सारांश में आपको मैं बता देता हूं। अभी अभी हम लोगों ने एक चीज यहां पर देखा कि ऐसे पैंडेमिक कंडीशन आ जाए, पहले तो हमने वायु के उस वेग को, वायु को देख करके, महसूस करके, है ना, पानी को स्पर्श करके, देख करके, देश की गतिविधियां, काल समय की गतिविधियां, इन चार चीजों की गतिविधियों को देख करके हमने अंदाज लगाया कि कुछ होने वाला है। तो पहले हम लोगों ने मेडिसिन कलेक्शन किया, चिकित्सा भी चल रहा है, साथ साथ में सद्वृत्त जैसे समस्या जो चीजें हैं उसके ऊपर, जैसे अभी देखो अभी जब कोरोना आया तो क्या हुआ, हर जगह नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, चलो घंटी बजाओ शंख बजाओ, कोई घंटी बजा रहा था, कोई शंख बजा रहा था, गो कोरोना हो रहा था कि नहीं सब आयुर्वेद का देन है। गो कोरोना आप लोगों ने भी सुने होंगे, सबके सब जो नास्तिक लोग हैं वो भी रोड में आकर के गो कोरोना कर रहे थे और भगवान के नाम ले रहे थे, कोई कोई कुछ कर रहे थे, कोई कुछ कर रहे थे। पूजा पाठ करने वाले जो ब्राह्मणों के उस समय बहुत अच्छा हो गया था, क्यों, क्योंकि जो जितने भी आयुर्वेद के जो विद्वान जो है, जो हमारे जितने भी जो आयुर्वेदिक वैद्य है, डॉक्टर है, वो भी सारे इस भाव को, इस चरक संहिता को रखे हुए है, स्टडी उन्होंने किया हुआ है कि इसमें हम पंचकर्म भी करेंगे, लाक्षणिक चिकित्सा भी करेंगे, सद्वृत्त भी करेंगे, देवताओं की उपासना भी करेंगे। अब ये देवताओं की उपासना के साथ साथ एक व्यक्ति के अंदर सद्वृत्ति के प्रति यहाँ पर क्या क्या चीजें बताया गया कि भैया आप उस वृद्ध जनों के संगति में जाओ, आप सात्विक बनो, धार्मिक बनो, जितेंद्रिय बनो, ये सारी चीजें, इन बातों का प्रयोजन क्या है, महत्व क्या है, क्यों बताया गया, तो ये चीजें आपको 24 नंबर वाले इस सूत्र को सूत्र से हमें पता चलता है। अब यहाँ इन्होंने कहा कि महाराज आज की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जो सत्य युग था, उस सत्य युग की जो बातें अगर हम यहाँ पर देखते हैं, तो उस समय कोई भी जो इंसान है, सत्य युग में चार प्रकार के युग है, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। अभी जो चल रहा है कली, कली के प्रथम चरण चल रहा है, चार चरण होते हैं सभी के। तो सत्य युग के प्रथम चरण में जब इस दुनिया की सृष्टि उत्पादन हुआ, उसके बाद इंसान जैसे बना और सृष्टि संरचना हुई, बहुत सारे लोग अपने अपने काम करने लगे, तो कहते उस समय लोगों के मन में किसी प्रकार का लोभ नहीं था, क्योंकि लोभ ही रोगों का मूल कारण होता है। कैसे होता है अभी हम वहां पर, यहाँ पर स्टेप स्टेप देखेंगे। मतलब अधर्म जैसा कोई चीज सत्ययुग के प्रारंभ में था ही नहीं। सत्ययुग में यानी सत्ययुग के प्रथम, द्वितीय और तृतीय चरण में, वो जो लंबा जो टाइम था, वहां पर लोग, मनुष्य जो इंसान है ना, वो देवताओं के समान ओजस्वी हुआ करते थे, बहुत निर्मल उनका मन होता था, बहुत अच्छा विपुल प्रभाव उनमें, देवता, देवर्षि, धर्म यज्ञ, विधायक वेद और यज्ञ कर्म को प्रत्यक्ष रूप से वो करते थे, स्वाहा स्वाह करके घी के आहुति करते और देवता सामने आकर के उसे भोग को पाते। आज तो जितना मर्जी हवन में स्वाह स्वाह करो, धुआं निकलता है लेकिन आता कुछ नहीं है, देवता है तो दिखते नहीं है, लेकिन उस जमाने में ओम इंद्राय स्वाहा ऐसा करते ही इंद्र के निमित्त दिया हुआ जो हविष्यान्न है, अग्नि कुंडल के अंदर डालते ही तुरंत इंद्र भगवान सामने प्रकट होते थे और इंद्र अपने भाग को प्राप्त करते थे। ऐसे ही सारे देवता साक्षात सामने आते थे। वो इसीलिए था क्योंकि उस वक्त का जो इंसान है वो कैसे होते थे, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, सो ही कपट छल खिद्र न भावा, ऐसा हम लोग रामायण में पढ़ते आए हैं ना। भगवान श्री राम क्या बोलते हैं कि मुझे जो निर्मल मन वाले लोग हैं वही मुझे पसंद है, छली कपटी कामी क्रोधी लोभी ऐसे लोग मेरे पसंद नहीं है। अगर कोई कपटी है, छल करने वाला है, लोभी है, कामी है, क्रोधी है, वो व्यक्ति मेरे मंदिर में आए ना आए एक ही बात है।
भगवान क्या बोलते हैं कि पहले अपने मन को निर्मल बनाओ, यानी अपने अंदर सत्ययुग का आधान करो। बलदेव जी भी भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, देवताओं का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये तब होगा जब आप कली से सत्ययुग के प्रथम चरण में पहुंचेंगे। और कैसे पहुंचेंगे? पहुंचने का तरीका यहाँ इन्होंने बता रखा है। देखो क्या क्या बता रखा है। भय राग द्वेष मोह लोभ क्रोध शोक मान रोग निद्रा, ये सारी चीजें आपको त्यागना होगा। लेकिन क्या ये संभव है? तो इससे पहले वाले पैराग्राफ में, पेज में, हमने ये देखा कि यदि हम सद्वृत्त की ओर, क्योंकि अगर मेरे मन में काम भाव है तो मेरे चाहने से तो काम कभी खत्म होगा नहीं। अगर होता तो फिर तो बात ही क्या थी। मैंने चाहा और मेरे सारे दुष्कृत खत्म हो गए। रोग का मूल कारण ही वही है, तो रोग भी खत्म हो जाए। मेरे चाहने से तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूं। अब इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं? कैसे कंट्रोल करूं? क्या ऐसे चीज किया जाए जिससे कि मैं इस चीज को कंट्रोल करूं, मेरे मन में क्रोध ना आए, काम ना आए, किसी प्रकार का कोई वासना ना आए, मैं सत्ययुग से कलियुग की ओर मेरी गति बनी हुई है। हर रोज हर व्यक्ति में चार जो युगों की बातें, इसमें व्यवस्था शरीर में होता है। हमारा जो मन है वो सत्ययुग से हट करके, फिसल करके कलियुग में आया हुआ है। उसको हम स्टेप बाय स्टेप सत्ययुग तक लेकर के जा सकते। कैसे जा सकते हैं? तो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि उसका मूल हमारा तरीका है सद्वृत्त। सद्वृत्त के अलावा कोई दूसरा हमारे पास बहाना और मतलब कर्म नहीं है कि हम अपने आप को उस तरह से कंट्रोल कर सकते। तो सद्वृत्त की पूरी जो विधि चरक ने पहले बता रखा है, कैसे सुबह उठना है, उसके बाद एक एक चीजों को हमें करते जाना है, उनमें से कौन सा वो चीज है, जैसे दान के बारे में बताया मैंने, पहले भी बताया कि दान किया जाए। एक दिन दान जाके करोगे, मन बड़ा प्रसन्न होगा, क्या बात है यार, मेरे सामने मैंने किसी को दिया, बड़ा ही मेरे को आशीर्वाद दिया होगा, कितना खुश उसके चेहरे, कुछ न मिलने से दुखी था, मैंने उसको कुछ दे दिया, बहुत प्रसन्न, मेरा मन बड़ा गदगद हो गया। फिर मन किया, या मेरी पत्नी ने कहा, बच्चे ने कहा कि पापा बहुत अच्छा लगा, चलो नेक्स्ट सैटरडे को भी या संडे को भी जाते हैं और जाकर के गरीबों को कुछ देते हैं। मैंने अपने मन को ये समझाने में मैं सफल रहा कि भैया मैं भी दानी हूं, अपने आप को समझा पाए हुए बहुत। इसीलिए यहां पर पहले हम क्या पढ़ते आए हैं, अपने आप को सुधारना है, किसी औरों को सुधारने के चक्कर में नहीं जाना है। आजकल क्या हो रहा है, हम दूसरों को सुधारने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, अपना नहीं सुधर पाते। तो यहाँ ये लिखा हुआ है कि भैया वो जो दूसरा जो करेगा वो बाद में देखेंगे, वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, पहले हम अपना ख्याल रखेंगे। ये वो बहाना है, ये वो विधि है जिससे कि हम अपने आप को उस गति तक लेकर के जा सकते हैं, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम रोगों से मुक्त हो जाएंगे। यहां पर एक कहानी आता है। सत्ययुग के प्रथम चरण में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारे जो सत्यवादी हुआ करते थे, किसी प्रकार का देवता साक्षात सामने आकर के उसके दिए भोग को, आहुतियों को प्राप्त करके उसको आशीर्वाद दे करके चले जाते थे। अब समझ लो कैसा समय था वो। घट घट में ईश्वर निवास करते हैं अलग अलग रूपों में। एक पत्थर के ऊपर भगवान श्री राम ने पैर मारा, लात मारा, तो वहीं से कोई प्रकट हो गया, गौतमी, गौतम की पत्नी, उधर ही से प्रकट हो गई। आज हम जितना मर्जी लात मारे कुछ होता नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर क्या नहीं है, राम नहीं है। इस राम को कैसे जगाया जा सकता है? जगाने का मूल आधार चरक ने बताया, वही दान की प्रवृत्ति, सत्य भाषण करना। अगर ये पहले से तैयार नहीं हो सकता कि मैं चाहे जितना मर्जी करूं, मैं सत्य नहीं बोल सकता यार, झूठ तो बोलना ही पड़ता है, दुकान में कस्टमर आते हैं, कुछ ना कुछ तो मीठा बोलना ही पड़ेगा। तो इसकी तैयारी हम पीछे से कर सकते, कोई ऐसी चीजें जो जिसको आप कर सकते हो उसको कर, वहां से मन थोड़ा ठीक रहेगा, फिर कुछ दूसरा करो। सद्वृत्ति की ओर ख्याल रखो, वही एक बहाना है जिससे कि हम अपने आप को सुधार सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब लोग कैसे हुए देखिए जरा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कृत योगे
केशांचित इत्यादाना सांपन्निकानं सत्वानां शरीर गौरवमासित। देख रहे आप लोग बुक में वो सारी चीजें सत्य योग में जो लोग थे उस तरह के व्यवहार करते थे। समय बढ़ता गया, प्रथम चरण निकल गया, दूसरे चरण में जैसे तैसे निकला, तीसरे चरण या कह सकते हैं कि अंतिम चरण में चतुर्थ चरण आते आते क्या हो गया, जो यायावर पद्धति के लोग थे, यायावर का मतलब क्या है, उनमें संग्रहण की कोई व्यवस्था नहीं, उनके अंदर आलस्यता का कोई व्यवस्था नहीं, आलसी नहीं होते थे। सुबह क्या भोजन करना है, सुबह सुबह ही जाकर के कलेक्शन करना है जंगलों में से, खेती नहीं करना, अपने रहने के लिए स्पेशल ऐसे कोई मकान नहीं। ये तो बाद में ज्वर प्रकरण में आप जाके पढ़ लेना, ज्वर प्रकरण में लिखा हुआ है कि दक्ष प्रजापति ने ये ग्राम्य की व्यवस्था किया हुआ है, छोटे छोटे नगरों का व्यवस्था किया है, जनपदों का व्यवस्था किसने किया है। हाँ, वो इसकी चर्चा हमने पहले भी किया था ज्वर प्रकरण में। तो ऐसा करने से लोग क्या हो गए, थोड़े थोड़े आलसी होने लगे, संग्रहण करना शुरू किया, कलेक्शन करना शुरू किया, स्टोर करना शुरू किया। ऐसा करने से धीरे धीरे क्या हो गया, लोगों ने बहुत सारे धीरे 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 करते हुए संपत्ति को जुटा लिया। अब संपत्ति का मतलब संपत्ति नहीं बल्कि संपत्ति का मतलब है अनाज। उस समय क्या था, बस सुबह शाम उठो, लेटन पेशाब करो, भूख लगे तो 9-10 बजे के टाइम में भोजन की कुछ जुगाड़ उसी समय कर लेते थे। ऋतु के हिसाब से व्यवस्था होता था, भोजन होता था, लेकिन कलेक्शन करना शुरू किया। कलेक्शन करने के बाद बहुत सारे भोज्य पदार्थों का सेवन, कलेक्शन हो गया, कट्ठे ही बहुत सारी चीजें तैयार होने लगी, बहुत सारे पकवान बनने लगे, मीठा मीठा पकवान। अब क्या हो गया, ज्यादा खाने लगे, भोजन ज्यादा होने लगा, ये चटनी, ये रोटी, ये दाल, ये पराठा, ये दे दनादन दे दनादन खाते रहो। अधिक खाने से शरीर क्या हो, आलसी होने लगा, शरीर में भारीपन आने लगा। परिणाम स्वरूप उनके शरीर में क्या हो गया, शरीर गौरवामासित, शरीर जो है भारीपन, शरीर गौरवम आश्रमम श्रमाद आलस्यम, आलस्य आ गया, आलस्यात संचय। जब आलसी होने लगे तो चीजों को संचय करने शुरू किया उन्होंने, कौन करेगा यार, चल ठीक है कोई बात, एक काम करते हैं कलेक्शन करके रखेंगे, 2 महीने तक चल जाएगा, खा लेंगे आराम से सोते हुए, क्या करना यार काम। आलसी लोग ऐसे ही करते, तो आलस्य से संचय करना शुरू हुआ, संचयात परिग्रह। संचय करने से परिग्रह करने की व्यवस्थाएं उनमें शुरू हो गया। परिग्रह का मतलब है ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ठीक है, ये सारे परिग्रह होना शुरू हो गया। परिग्रहान लोभ, इधर से ये तोड़ा, उधर से वो तोड़ा, बहुत सारे पत्ते वनस्पति तोड़ दिया, बहुत सारे जड़ पत्ते उखाड़ लिया, बहुत सारे धान या गेहूं जो भी लगता था सब कुछ कलेक्शन करके ले करके अपने अपने लिए स्टोर करना शुरू किया। तो इससे क्या हो गया, परिग्रह शुरू हो गया। परिग्रह करने के चक्कर में लोभी बनने लगे, लोभ शुरू हो गया। देखो अब ये देखो कहां सत्ययुग के लोभ से रहित, किसी प्रकार के काम से रहित जो लोग थे, धीरे 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 इन चीजों ने, एक ने दूसरी चीज को उत्पन्न किया जी। पहले लड़का जवान था, कोई चक्कर नहीं था, बाद में एक लड़की मिली, लड़की से प्यार हुआ, वो लड़की किसी और लड़का से भी प्यार करती थी, ये दोनों लड़के आपस में लड़ पड़े, बेमतलब में दोनों ही मारे गए। उसका मूल कारण क्या था, वो लड़की का मिलना, उससे भी बड़ा कारण क्या था, उस लड़की के प्रति मोह होना, लोभ होना, संचय करने की इच्छा होना, ये मेरी है, मैं ते मोर मोर ते माया, माया। तो यहां से सत्य योग धीरे धीरे अपने चरणों से समाप्त हो गया। तो होते होते लोगों का जो स्वभाव है, जो विचार है, वो भी काम क्रोध लोभ मोह मत्सर आदि
इन भावों से वो भी जकड़े गए तो तुरंत वहां पर त्रेता युग शुरू हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं लोभ से सत्य युग नष्ट हो गया और धर्म का पहला चरण यहां डाउन हो गया, मर गया। जो धर्म है उसका पहला चरण, पहला पैर खत्म हो गया। तो लोभ देखो, परिग्रहण, कलेक्शन करने की इच्छा, लोभ, ये लोभ ही पहला चरण है। किस तरह से बना इसको देखो। अब लोभ के साथ लोग तीसरे तृतीय युग में आ गए। लोभ के साथ पहले सत्य युग के अंतिम चरण, चौथे चरण में इन्होंने लोभ को कमाया, आलसी बने, शरीर में भारीपन, गौरव था, लेकिन अभी कोई रोग हुआ नहीं है। रोग का एक कारण लोभ जो है वहां उत्पन्न हो गया। उस लोभ से त्रेता युग में अविद्रोह तैयार हो गया। अविद्रोह यानी, अभी मैंने बताया, दोनों दीवाने उस लड़की के चक्कर में द्रोह कर बैठे और द्रोह होने से त्रेता युग में अंद्रित वचनम, 24 नंबर वाले सूत्र को देख लो, अविद्रोह अंद्रित वचनम ततस्तेतायाम लोभाद अविद्रोह अविद्रोहाद अंद्रित वचनम। अंद्रित वचनम गंदे गंदी बातें करना, उसके वाणी जो है अशुद्ध हो गया। अंद्रित वचनात काम क्रोध मान द्वेष, अंद्रित यानी कि अंद्रित का मतलब होता है झूठ बोलना। अंद्रित का मतलब क्या होता है? नृत यानी सत्य, नृतम भक्ति यानी सत्य बोलता हूं, अंद्रितम भक्ति यानी मैं असत्य बोलता हूं। अंद्रितम असत्य बोलना, अंद्रित वचनात, उस लोभ से अविद्रोह शुरू हुआ, झगड़ा मन में ये सारी चीज शुरू हुई, तो उससे अंद्रित वचन। देखो क्रम से कैसे कैसे योग परिवर्तन हो रहा है। अब ये जो योग है, ये नहीं समझना कि लाखों करोड़ों समय निकल गया और ये क्रमशः हो रहा है, नहीं। कामेश्वर प्रसाद के शरीर में जन्म से लेकर के आज तक क्रमशः ये सारी चीजें, पहले जन्म जब हुआ तो माँ के गर्भ में वो सत्ययुग के समान थे, झूठ नहीं बोलते थे, काम क्रोध लोभ मोह कुछ भी नहीं था। जैसे जैसे बाहर आए तो ये सारे के सारे, फिर उसमें जो है त्रेता युग शुरू हो गया, लोभ शुरू हो गया, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ठीक है। तो अंद्रित वचन से क्या हो गया? काम क्रोध मान, सम्मान की चाह होना, द्वेष, दूसरों के प्रति ईर्ष्या होना, अभिघात होना। पारुष्य का मतलब होता है अंदर ही अंदर जलना किसी के प्रति, भय, ताप, शोक, चिंता, उद्वेग, ये अंद्रित वचन यानी कि झूठ बोलने के परिणाम से होने वाली चीजें हैं। जैसे कोई आदमी मुझसे झूठ बोले, झूठ बोल करके पैसे ले ले, तो मुझे क्रोध आएगा। कोई लड़की मेरे से ऐसे ही कुछ मीठी मीठी बात बोले, झूठे झूठे ही, तो काम उत्पन्न होगा। कोई आदमी ऐसे मीठी मीठी प्रशंसा कर दे, है ना, बेमतलब में प्रशंसा करे, तो इसीलिए प्रशंसा न तो किया किसी का को करना चाहिए, न तो सुनना चाहिए, क्योंकि प्रशंसा से मान की इच्छा होती है ना। तो ये अंद्रित वचन यानी असत्य बोलना ही मान, अभिमान को अपने अंदर तैयार करना है। द्वेष, पारुष्य, अंदर ही अंदर जलना, तो इन सारी चीजों ने धर्म के द्वितीय चरण यानी त्रेता युग भी, इन सारी चीजों से त्रेता युग खत्म हो गया। यानी त्रेता युग में धर्म का दूसरा पांव जो है, धर्म रूपी बेल का दूसरा पांव गया, द्वापर। अब द्वापर में क्या हो गया? असत्य बोलने से काम क्रोध मान द्वेष पारुष्य अभिघात आदि त्रेता युग के एंड में खत्म हुआ था। द्वापर में आते आते क्रमशः अब उस व्यक्ति का, एक तो वो स्वाभाविक रूप से धर्म से विहीन हो रहा था। जैसे जैसे कोई आदमी हिंदू धर्म से संबंध रखता है, अब वो न पूजा करता है, न पाठ करता है, न तो सद्वृत्त करता है, न तो पितरों का उपासना करता है, जो उसके पिताजी
उसके दादा दादी किया करते थे, वो भी नहीं करता। अब उसके विरोधी, उसके विपरीत बात करता है। देखो विपरीत बात करने का मतलब क्या है, उसके अंदर कितनी नेगेटिविटी होगी। वो जो अपने पूर्वजों के किए कर्मों को ही नकार रहा है या उसको उसके विपरीत बात करता है, वह एक पेंडेमिक कंडीशन है उस व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति के लिए ये पापमय प्रवृत्ति है, ऐसा ग्रंथ बताता है। इससे क्या हो गया, धर्म का नाश होगा। धर्म दोनों तरफ से नाश होंगे, एक तो स्वभावतः होगा, जैसे शीतल पानी को जब हम जैसे जब हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से क्या होगा, हमारा भूख प्यास, शरीर में कमजोरी है, वीकनेस, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप भोजन करते ही, भोजन से जैसे ही शरीर संतुष्ट होगा, ये सारी चीजें अपने आप निकल जाता है। लेकिन जैसे जैसे भोजन शरीर में जब नहीं जाता तो क्रमशः भूख प्यास दौर्बल्यता यानी दुबलापन, कमजोरी, सिर में दर्द, पेट में खालीपन, चक्कर आना, गिर ही जाना, डिहाइड्रेशन, ये सब के सब एक झटके में एक साथ होगा, क्रमशः होंगे या एक साथ होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा, लेकिन कंपलसरी। इसी प्रकार से जब कोई आदमी क्रमशः अपने सदवृत्त से विहीन हो जाता है, अपने विचारों से विहीन हो जाता है, अपनी संस्कृति से विहीन हो जाता है, तो ये जो बातें हैं, ये जो विहीन होने की जो चीजें हैं, धीरे धीरे उसके धर्म को नाश करता है। धर्म क्या चीज है, जैसे वेद के संदर्भ, वेद जो है धर्म को जगाए रखने का एक आधार है। वेद का जो भाषा है ना, मैंने कहीं पढ़ा था जो वेद है उसमें बहुत सारे ऋचाएं जो है साक्षात मूर्तिमंत है। वेद की ऋचाओं के ऊपर तो इतनी बातें बताई गई है, जो वेद का जो ऋचाएं हैं वो कहते हैं कि एक वेद बहुत असहज भाषा है। असहज का मतलब है कि समझ में नहीं आती। जिन्होंने आज वेद में पीएचडी किया है उनको भी वेद की कोई आजकल कोई पता ही नहीं। आजकल तो पीएचडी पता नहीं भगवान जाने कैसे करते ये लोग पीएचडी। हाँ जी, मैं तो मैंने इसमें पीएचडी किया हुआ है, उसको उस विषय का कोई खास नॉलेज ही नहीं है। तो ये भी एक बड़ी आप व्यवस्था इस तरह की चीजें। तो वेद में उसने पीएचडी किया है लेकिन वेद के बारे में उसको मालूम नहीं। वेद ने जो लिखा है उसकी भाषा को वो नहीं समझ पा रहा है। तो धर्म का इस तरह से रास होगा, धर्म का इस तरह से। अच्छा, मैं बात कर रहा था वेद के मंत्र। तो वेद का जो मंत्र है वो कैसा है, कहते एक इंसान का जब जन्म हुआ तो एक सेल दूसरे सेल को, दो सेल चार, चार को आठ, आठ ऐसा करके मल्टीपल सेल जो है बनते गए। और जो सेल है, एक सेल जब दूसरे सेल को उत्पन्न कर रहा था तो उसमें एक चेतना होती थी कि भाई चलो मैंने इसको उत्पन्न करना। फिर वो दोनों सेल आपस में बात करते, फिर बात करने से जो परिणाम उत्पन्न होगा उस दोनों के संवाद का एक निचोड़ होता था तीसरा सेल। तो तीसरे सेल फिर पुष्ट होकर के आपस में वो चर्चा करते थे, चर्चा करने से फिर और तीन सेल तैयार करते थे, उनके लिए शरीर के लिए जो जो आवश्यकता होगा उसके आधार पर उसके संदर्भ में सेल जो है मल्टीपल डेवलप होता हुआ जाता। और समुच्चय सेल का ही एक पुंज है इंसान का शरीर। बेसिकली इंसान जो अभी हम देख रहे बात कर रहे हैं, ये हमारे शरीर के अंदर जो सेल है, वो सेल जो बात करता है, जो संवाद करता है, उसी का एक परिणाम है ये सारा। लीवर काम कर पा रहा है, लीवर जिन जिन सेलों ने तैयार हुआ है लीवर, उन सेल की जो आपसी संवाद है वही संवाद डिसाइड करता है कि लीवर को कितना काम करना है, कब बीमार होना है, कब सबल होना है। इसे पहले सत्ययुग के प्रारंभ में लोग आत्म मंथन करते थे, आत्मचिंतन करते थे, विचारशील थे, मेडिटेशन करते थे, तो अंदर जाकर के सेल की उस भाषा को स्टडी कर पाते थे।
सेल की जो बातें हैं उसको समझते थे, इसीलिए उनके लिए कोई असहज था ही नहीं। दुनिया का कोई भी चीजें शरीर ही उसको पहले बता देता था। जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्मज्ञानी है, अरे वो तो सारा ही जानता है, इसीलिए जानता क्योंकि अंतर्मुखी होता था और उसकी जो सेल है वो तो भगवान की साक्षात स्वरूप था और वहां से वो चीजें प्राप्त कर। जैसे वेद व्यास जी है, उनको इतनी सारी मंत्रों का ज्ञान कैसे हो गया? या चलो वेद व्यास जी तो उन्होंने तो मंत्र लिखा नहीं है, बेसिकली वेद व्यास जी मंत्र का संग्रहण किया, उन्होंने कलेक्शन किया। वेद व्यास जी ने क्या किया, मंत्र का कलेक्शन किया। जो वेद का मंत्र है लिखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे भैया अमुक आदमी ने वेद मंत्र लिखा है तो फिर हम फिर एक क्वेश्चन होता है कि भैया जिसने लिखा है उसने ये इसको उसको किसने सिखाया, कहीं तो सिखाई होगा। वेद व्यास जी ने मंत्रों को कलेक्शन किया, जगह जगह अलग अलग ऋषियों ने वेद के उन मंत्रों को आकाश में से ऐसा लिखा हुआ है वेदों में, तपस्या किया अपने सेल से, शरीर का जो सेल है ना उस सेल के जो संवाद है उस संवाद को मिला मिला करके उस संवाद से उन्होंने उन मंत्रों को प्राप्त किया। इसी के संदर्भ में कुछ लोग कहते हैं कि वो तपस्या करते थे और आकाशवाणी से वो मंत्र उनको सुनाई देता था। जैसे महामृत्युंजय के संबंध में महामृत्युंजय, जिसने महामृत्युंजय इस मंत्र को प्राप्त किया, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो जो काल है, काल उसके पीछे पड़ा हुआ था मारने के लिए, भगवान शंकर जी के सामने जाकर के लपट गया और वहां पर व्योमयान से आकाश से एक शब्द उसको सुनाई दिया जिसका नाम था महामृत्युंजय। उस मंत्र का जब उसने साधना किया तो साधना करते ही भगवान शिव जी सामने प्रकट हो गए। ये सत्य युग की बात है। प्रकट होने के बाद फिर काल से भगवान शंकर ने उस व्यक्ति को बचाया। तो ऐसे वैसन पायन नाम का जो वेद व्यास जी है उनके संदर्भ में भी ऐसी बहुत सारी बातें। तो जो सेल है वही मंत्र का सृष्टा है, उत्पाद्य करता है। तो इस तरह से जो द्वापर युग है वह धर्म के नाश होने में बहुत बड़ा कारण बना। इंसान उससे पहले ही सत्य के अंतिम में त्रेता समुचे त्रेता युग में और द्वापर के समुचे द्वापर युग का जो समय था उसमें करते करते लोग कलयुग के प्रारंभ में क्या हो गया, धर्म से हीन हो गए। तीसरा चरण द्वापर में खत्म हो गया। अभी जो चल रहा है चौथा चरण यानी कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में माना धर्म नाम का कोई चीज है नहीं। धर्म का मतलब हिंदू मुस्लिम भी नहीं है, धर्म का मतलब है जैसे अग्नि है, अग्नि का कर्म क्या, धर्म क्या है, जलाना पकाना दाह करना। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। पानी का धर्म है शीतलता पैदा करना। प्रकृति में तो वो धर्म है लेकिन जीव में वो धर्म अभी दिखता नहीं है। अब ये पेंडेमिक कंडीशन में चरक में हम कल परसों पढ़ते आए हैं कि अगर जल में उसका स्वाभाविक धर्म नहीं दिखाई देता है, वायु में उसकी स्वाभाविक धर्म नहीं दिखाई देता है, आकाश में उसका जो देश है, जिस देश में आप जा रहे हो उस देश का स्वाभाविक धर्म क्या है, राजस्थान का कैसा गुण धर्म है, पंजाब का कैसा गुण धर्म है, अनूप देश, साधारण देश, जंगल देश, इनका कैसा कैसा धर्म है, यदि वो अपने धर्म से विहीन हो जाएंगे किन्हीं कारणों से, या काल जो समय है वो भी अपने धर्म से विहीन हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये तो भैया कलयुग आ गया। जल में कलयुग, स्थल में कलयुग, आकाश में, वायु में, दिशा में, काल में कलयुग आ गया, यानी वह अपने धर्म से विहीन हो गया। एक इंसान अपने जो मनुष्य है, मनुष्यता उसका मूल धर्म है।
दया ही इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। जब इंसान दया से विहीन हो जाए तो कहते धरती भी डगमाने डगमगानी शुरू हो जाता है। तो इंसान इस तरह धर्म से विहीन हो सकता है। तो जब ये सारी चीजें अपने अपने धर्म से विहीन हो जाएंगे तो पेंडेमिक कंडीशन शुरू होगा, वहां से फिर एक रोग उत्पन्न होगा, फिर क्या होगा, धर्म का ह्रास होगा, औषधि औषधि जो है वो गुणों से विहीन हो जाएंगे। वायु देखो वही वनौषधि, अब चरक में लिखा हुआ है कि भैया मुलेठी खाने से ये गुण होता है, लेकिन आजकल मुलेठी में वो क्वालिटी दिख क्यों नहीं रहा है? आजकल तो रिसर्च ऐसा हो रहा है कि जो वनस्पति जो चावल है, चावल में जो उसकी जो स्वाभाविक जो गुण, उसमें जो विटामिन होना चाहिए, जो मिनरल्स होनी चाहिए, या लाखों करोड़ों के उसके अंदर जो खनिज पदार्थ होता है या उसके अंदर जो क्वालिटी होती है, विटामिन वगैरह होते हैं अलग 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 अलग, जिसको एक आदमी जैसे कि हम लोग आयरन खा लेते हैं या कैल्शियम खा लेते हैं, अरे ये तो मोटी मोटी चीजें हैं, आयरन होना, आयरन होना, कैल्शियम होना, ये सारे तो मोटी मोटी चीजें हैं। कुछ इन वनस्पति में, चावल में, गेहूं में, मक्का में, धान में, मक्का में, बाजरा में, छोटे छोटे बीजांश के रूप में कुछ ऐसे ऐसे विटामिन होते हैं जिसका अभी तक कोई खोज नहीं हुआ है, लेकिन वह भी वहां से विलुप्त हो जाएगा, डाउन हो रहा है, ऐसा रिसर्च हुआ है, अभी नष्ट हो रहे, वो दिखाई नहीं दे रहे आजकल, क्यों? आजकल आने वाले इन चावलों में, इन गेहूं में नहीं है, वो रास हो गया, डाउन हो गया, खत्म होने हो रहा है वो सारी चीजें। यानी जो औषधि, देखो कलयुग का प्रभाव यहां हम पर पड़ रहे, तो मेडिसिन दे रहे, मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा है, और हम कहते हैं भैया आयुर्वेद तो बेकार, हवा खराब है, पानी खराब है, सबके सब रोग से युक्त है, इसीलिए रोग की वृद्धि हो रहा है, अनायास रोग जो है शरीर में तैयार हो रहा है। तो इस तरह से सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, ये चार युगों का संदर्भ पेंडेमिक कंडीशन में ग्रंथ ने बड़े तरीका से यहाँ पर रखा हुआ है। इनका संबंध इस तरह से है, इसीलिए अगर पेंडेमिक जैसे कंडीशन आता है तो हमें क्या सोचना होगा, भैया यहाँ पर योग की विकृति हो रही है और इसका मूल कारण हम ही है, जो प्रकृति में जो विघटन हो रहा है, जो विघटन हो रहा है प्रकृति में, जो दूषित दूषितपन जो आ रहा है, पानी जो बिगड़ रहा है, हवा जो बिगड़ रहा है, देश जो बिगड़ रहा है, उत्पन्न होने वाले संतान उसकी क्वालिटी में गड़बड़ी हो रही है, संतान उत्पादन हो ही नहीं रहा है। एक रिसर्च ये बताता है कि आने वाले कुछ सालों के बाद लोगों में पुरुषत्व शक्ति नहीं रहेगी, संतान उत्पादन करने की उस तरह की कैपेसिटी नहीं रहेगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी युगपत कृता है, युगों के दूषित जो रोग को उत्पन्न उत्पादन करने की जो उस तरह की जो स्वभाव बन गया पृथ्वी में, हवा में, पानी में, उनकी जो नेचर है, कहाँ पहले अमृत समान था, लेकिन अभी युग के परिवर्तन की वजह से, इंसान की इस तरह के हरकतों के कारण से हमारी जो पांच भौतिक शक्तियां हैं वो भी स्वाभाविक रूप से रोगों को उत्पादन करने वाली हो गई है। इसीलिए बार 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 इस तरह के पेंडेमिक कंडीशन होता रहेगा। ये कोरोना तो पता नहीं कितने सालों के बाद आया है। ग्रंथकार बोलते हैं विमानस्थान में यदि इंसान ऐसा ही रहा, सद्वृत्त आदि आचरणों से युक्त नहीं रहा, धर्म के साथ आचरण से नहीं रहता है अगर वो, तो उनके इस हरकतों के वजह से देश, वायु, जल और आपका देश और काल, समय, सब बिगड़ेंगे और परिणाम ये होगा कि आए दिन पेंडेमिक होता रहेगा। कोरोना आ गया, फरोना आ जाएगा, बस नाम चेंज होता रहेगा, कुछ न कुछ हरकतें होती रहेंगी। तो ये आज के क्लास का मूल संदर्भ है, इसको आप लोग एक बार पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज मैं जानबूझ करके इस संदर्भ को मैंने आज मन किया, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, ये जितना पढ़ो इसको उतना ही लगता है कि और पढ़ो। तो आज विद्यार्थी भी बड़े कम है, क्योंकि आज तो हमारा क्लास का था ही नहीं, लेकिन फिर भी चलो
ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन से, बलदेव जी तो सो गए लगता है, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए।